क्या चेहरे का ब्लीच कराने से चेहरा गोरा दिखने लगता है, फेयर दिखने लगता है, उसमें जो पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, स्कार मार्क है, एक्ने स्कार मार्क है, वो सब हट जाते हैं, ठीक दिखने लगते हैं, इवन टोन हो जाती है। तो इसका जवाब है नहीं, स्किन ब्लीच कराने से इस तरह की कोई समस्याएं नहीं ठीक होने वाली, क्योंकि स्किन ब्लीच में जो ब्लीचिंग क्रीम है वो स्किन पे काम नहीं करती बल्कि हेयर पे काम करती है। जो हेयर होते हैं वो ब्लैक से ब्राउन हो जाते हैं, इसलिए तुरंत के तुरंत चेहरा थोड़ा सा जो ब्लैकनेस हेयर के कारण आई है वो ख़त्म हो जाती है, तो आपका चेहरा तुरंत फेयर दिखने लगता है। इसलिए इंस्टा ग्लो नाम से ज़्यादातर क्रीम आती है, लेकिन जो चेहरे की स्किन है अगर उसमें कोई दाग हैं, झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ पड़ी हैं या मुहासे का दाग है, वो नहीं ठीक होने वाला है, क्योंकि स्किन पे ब्लीचिंग क्रीम का कोई भी असर नहीं होता है। बल्कि उल्टे ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो वो जल सकती है, इरिटेट हो सकती है, उसमें रेडनेस हो सकती है, पतली हो सकती है, क्रैक आ सकती है, वो सूख सकती है, ड्राई हो सकती है, हाइपोपिगमेंटेड पैच बन सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा ब्लीचिंग कराते हैं अपने चेहरे की, ज़्यादा बार ब्लीचिंग क्रीम लगवाते हैं या लगाते हैं, तो हो सकता है कि काले कलर के दाग धब्बे भी पड़ जाएं। तो अगर आप चेहरे की ग्लो के लिए ब्लीचिंग क्रीम लगवाना चाहते हैं या घर पे लगाते हैं, तो ऐसा ना करें। ये सिर्फ जो हेयर होते हैं उस पे ब्लीचिंग क्रीम का असर होता है। चेहरे की ग्लो के लिए स्क्रबिंग करवा सकते हैं, एक्सफोलिएटिव क्रीम लगा सकते हैं, और ईलिंग होता है वो सब कराया जा सकता है। उनका असर स्किन पे होता है, ब्लीचिंग का असर स्किन पे नहीं हेयर पे होता है, ये बताने का मेरा मकसद है। इसलिए इसी तरीके के दाग धब्बे चेहरे पे हैं, झाइयाँ हैं, एक्ने के दाग हैं, उसके लिए ये ब्लीच ना करवाएं। थैंक